अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं जो कि है डिसमेनोरिया या पीरियड्स में दर्द का होना। आमतौर पर यूँ तो तकरीबन तमाम ही ख़वातीन जो हैं वो इससे सफ़र करती हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन को ये ज़रा ज़्यादा शिद्दत से होता है। बाज़ बच्चियों में तो ये इतना शदीद होता है दर्द कि वो अपना स्कूल मिस कर लेती हैं, या फिर वो अपने जो भी वो काम कर रही हो उसे वो छुट्टी करना पड़ती है, या फिर वो दो दिन बिस्तर में गुजारती हैं और बेतहाशा दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं। कुछ ख़वातीन को तो ये इतना ज़्यादा होता है कि वो उनको इंजेक्शन्स के बग़ैर उनका दर्द ही ख़त्म नहीं होता। तो ये बहुत ही कॉमनली गूगल्ड या बहुत कॉमनली आस्क्ड सवाल होता है कि हम डिसमेनोरिया क्या है और ये क्यों होता है और उसके हम किस तरह से इसका इलाज करें ताकि जो है हमें डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि डिसमेनोरिया क्या होता है। डिसमेनोरिया असल में जो यूट्राइन मसल्स हैं जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो दर्द महसूस होता है वो होता है। अभी यूट्राइन मसल्स कंट्रैक्ट क्यों करते हैं? असल में जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, हम जब माहवारी आती है तो वो लाइनिंग जो है वो शेड होके बाहर निकलती है। तो जब वो शेड होके बाहर निकलती है तो उसको बाहर निकालने के लिए यूट्रस को कंट्रैक्ट करना पड़ता है, और यूट्रस जब कंट्रैक्ट करता है तो बाज़ लोगों को ये दर्द बहुत शिद्दत से महसूस होता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल हालात का पेन। अब डिसमेनोरिया दो तरह का हो सकता है। एक होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया, ये वो डिसमेनोरिया है कि जिसका कोई कॉज नहीं है, और दूसरा होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। सेकेंडरी डिसमेनोरिया से मतलब है कि उस एक का कोई कॉज है उससे, जिसकी वजह से वो हो रहा है, जिसमें आ जाता है या तो सर्विक्स बहुत ज़्यादा टाइट है। सर्विक्स जो होती है वो होती है एक्चुअली रहम का मुँह। अगर रहम का मुँह बहुत ज़्यादा टाइट है और वहाँ से प्रेशर से ब्लड के क्लॉट में गुजरना है या प्रेशर से ब्लड में गुजरना है तो उससे भी बहुत दर्द हो सकता है। बाज़ोकात कुछ लोगों में एंडोमेट्रियोसिस होता है, यानी कि जिस तरीके से आपको पीरियड रहम के बाहर आते हैं, बाज़ लोगों में लाइनिंग ऑफ द वूम जो है वो जिस्म के अंदर भी मौजूद होती है और उनको अंदर भी पीरियड्स आते हैं। बाज़ दफ़ा यही लाइनिंग ऑफ द वूम जो है वो रहम के मसल्स में चली जाती है और ये कहलाती है एडिनोमायोसिस। तो उस सूरत में भी बहुत दर्द होता है और औरतों को बहुत सफ़र करती हैं, औरतें बहुत सफ़र करती हैं। तो आमतौर पर जो सेकेंडरी एमेनोरिया होता है वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में ज़्यादा देखा गया है, यानी कि जो एल्डरली ख्वातीन हैं उसमें ज़रा ज़्यादा देखा गया है। अच्छे में बाज़ औक़ात फाइब्रॉइड्स भी जो है वो सेकेंडरी डिसमेनोरिया कॉज करते हैं। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगी कि हम डिसमेनोरिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है उसको तो प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है, उसका तो सिर्फ इलाज ही है कि ड्यूरिंग पीरियड्स अगर आपको पेन होता है तो आप पेन के लिए ले लीजिए। आपको मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगी जो कि हमने हम इसकी प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी डिसमेनोरिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक कॉजेज़ हैं। जैसे कि सपोजिंगली अगर रहम का मुँह बहुत टाइट हो गया है किसी भी वजह से, या उसको हम थोड़ी डायलिटेशन कर सकते हैं। अगर कोई फाइब्रॉइड है तो हम उस फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। फिर एडिनोमायोसिस है, हम एडिनोमायोसिस की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेम वे अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो हम एंडोमेट्रियोसिस की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी डिसमेनोरिया जो है उसके बारे में अगर कहा जाए, यानी कि जो यंग बच्चियों को शुरू से हो रहा है पीरियड्स के दौरान, उसको अगर हम कहें कि हम उसको कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं तो वो सही स्टेटमेंट नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आप क्या क्या कर सकती हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं कि जिसके ज़रिए हम इस डिसमेनोरिया को कम कर सकते हैं या इसको बेरेबल कर सकते हैं, ताकि आपका जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि जो आपकी जो डेली डे टू डे लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें सबसे पहले तो जो चीज़ आ जाती है वो है कि आपको कुछ ग़िज़ा ऐसी हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए उन दिनों में जिन दिनों में आपको डिसमेनोरिया हो रहा है या आपको पीरियड्स आते हैं। जैसे कि कैफीन वाले फूड्स हैं, अगर आप स्मोकिंग करती हैं
तो स्मोकिंग बंद कर दें, अगर आप अल्कोहल लेती हैं तो आप अल्कोहल बंद कर दें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स जो हैं उनको बंद कर दें। अच्छा, बाज़ दफ़ा जो डिस्मेनोरिया है वो इस तरह से प्रेजेंट करता है कि जैसे कि पेट में दर्द है, लो बैक एक है, थाइस में दर्द जा रहा है, बैक में बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बैठा नहीं जा रहा, बच्चियों को सारा सारा दिन वो बिस्तर में गुजारती हैं क्योंकि उनसे बैठा नहीं जाता। तो कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप वो पोस्चर अडॉप्ट करें तो थोड़ा सा डिस्मेनोरिया कम हो सकता है। वो ऐसे कि जैसे अगर आप दोनों घुटनों को सकेड़ के अपने छाती के साथ लगा के इस तरह से लेटें तो उससे भी कुछ डिस्मेनोरिया कम महसूस होगा। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू करें जैसे कि योगा है, उससे भी आपको डिस्मेनोरिया कम महसूस होगा। फिर हॉट वाटर बॉटल्स हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी इसके लिए काफ़ी अच्छा बताया गया है। फिर कुछ और चीज़ें जैसे कि एग्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, ये चीज़ें जो हैं ये भी आपका डिस्मेनोरिया कम करती हैं। अगर आप अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जैसे कि मसाज करवाएं, आप योगा करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, उससे भी डिस्मेनोरिया थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ मेडिसिन्स जो हैं जो कि आप ओवर द काउंटर ख़रीद सकती हैं और वो भी हम डिस्मेनोरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें आइबुप्रोफेन वगैरह आ जाती हैं, वो आप ले सकती हैं। उससे भी कुछ सिंपल, अगर सिंपल पेनाडोल या सिंपल पैरासीटामोल से पेन रिलीफ नहीं हो रहा तो आप आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन या वाल्ट्रोल की गोलियाँ ले सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ये टैबलेट्स जो हैं आमतौर पर हम ये एडवाइस करते हैं कि वो लोग जिनके पेट में अल्सर्स हैं या जिनको पेट के दर्द का प्रॉब्लम है वो लोग इसको बगैर डॉक्टर से पूछे इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा कोई भी पेन किलर जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं जैसे कि ब्रूफिन, वाल्ट्रोल, आइबुप्रोफिन वगैरह, इसको खाली पेट हरगिज ना लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये है, ये चीज़ें जो हैं ये भी आपका डिस्मेनोरिया कम करती हैं। अगर आप अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जैसे कि मसाज करवाएं, आप योगा करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, उससे भी डिस्मेनोरिया थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ मेडिसिन्स जो हैं जो कि आप ओवर द काउंटर ख़रीद सकती हैं और वो भी हम डिस्मेनोरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें आइबुप्रोफेन वगैरह आ जाती हैं, वो आप ले सकती हैं। उससे भी कुछ सिंपल, अगर सिंपल पेनाडोल या सिंपल पैरासीटामोल से पेन रिलीफ नहीं हो रहा तो आप आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन या वाल्ट्रोल की गोलियाँ ले सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ये टैबलेट्स जो हैं आमतौर पर हम ये एडवाइस करते हैं कि वो लोग जिनके पेट में अल्सर्स हैं या जिनको पेट के दर्द का प्रॉब्लम है वो लोग इसको बगैर डॉक्टर से पूछे इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा कोई भी पेन किलर जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं जैसे कि ब्रूफिन, वाल्ट्रोल, आइबुप्रोफिन वगैरह, इसको खाली पेट हरगिज ना लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।